हेलो गाइस, आज मैं जो प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर के आया हूँ ये जयपुर की एक प्राइम लोकेशन सीकर रोड पर जो मुरलीपुरा स्कीम है वहाँ पर लोकेटेड है। आप देख रहे होंगे भी मैं इसके पार्किंग के स्पेस में खड़ा हुआ हूँ और ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी 120 गज के अंदर बनी हुई है। पार्किंग का जो स्पेस देख रहे हैं वही एक आपको लग्जरी फील करवा रहा होगा क्योंकि ऊपर बाहर की साइड में जो आपको काम करके दिया गया है वो टाइल्स वर्क है, साथ ही बीच में ग्रास का आर्टिफिशियल ग्रास आपको लगा करके दी गई है। और जयपुर की प्राइम लोकेशन अपने जो मैं बता दूं सीकर रोड के ऊपर ये लोकेटेड है। आप यहाँ से भी अगर एंट्रेंस देखेंगे तो एंट्रेंस में कुछ इस तरीके का आपको डोर मिल जाता है, बाहर की साइड में कुछ इस तरीके से आपको जो है स्टोन वर्क करके दिया गया है और जस्ट ऊपर की तरफ देखेंगे तो मकान की हाइट काफ़ी अच्छी दी गई है। 18x60 के डायमेंशन में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। एक बार बाहर चलिए, बाहर से हम लोग देख लेते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन कैसा होने वाला है, यूनिट्स कितनी अवेलेबल है, ईस्ट फेसिंग की ये प्रॉपर्टी होने वाली है, प्राइस वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आप देखिए कुछ इस तरीके से लाइन से चार विला बने हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और बेहद ही प्यारे और खूबसूरत से फ्रंट एलिवेशन के साथ में एक प्यारी सी प्रॉपर्टी आज मैं आपको विजिट कराने जा रहा हूँ। आसपास का सराउंडिंग एरिया भी देख लीजिए। मुरलीपुरा स्कीम के अंदर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। जिस जगह पर बहुत कम प्रॉपर्टीज बनती है उस जगह पर मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर के आया हूँ क्योंकि हमारे कुछ एक भाई हैं, कुछ एक व्यूवर्स हैं जो कि हमें डिमांड करते हैं कि मुरलीपुरा स्कीम में सीकर रोड पर हमारे लिए प्रॉपर्टी लेकर के आइए। यहाँ पर आप डोर देखेंगे कुछ इस तरीके का, मेन एंट्रेंस पे आपको डोर मिल जाता है जो कि काफी हैवी मेटल के साथ में आपको दिया गया है। यहाँ से जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए पार्किंग का बड़ा स्पेस आपको दिया गया है। 18 का फ्रंट है तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट काफी अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही इस तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इस तरीके से ये आपको रैक्स वगैरह बना करके दी गई, तो शू रैक की तरह इस जगह को यूज में ले सकते हैं। साथ ही सामने की तरफ में आपको मीटर बॉक्स भी है। यहाँ से एंट्री हो जाती है जो कि इसके मेन विला के अंदर हम लोग एंटर करेंगे। 4BHK प्रॉपर्टी है, साथ ही 120 गज के अंदर ये बनी हुई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हॉल की तो काफी बड़ा हॉल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन एंट्रेंस में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बहुत प्यारा और खूबसूरत सा आपको डोर मिल जाता है। देखिए कितना प्यारा सा सेल्फ डिजाइन आपको दिया गया है, हैंडल्स वगैरह प्रॉपर आपको बढ़िया फील दे देते हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर आप देखेंगे तो एंटर होते ही यहाँ पर आपको एक लिविंग एरिया मिल जाता है जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सोफा सेट अरेंज करके दिया गया है। मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत सा ये डाइनिंग एरिया है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 1,60,00,000 रुपए इसका प्राइस होने वाला है। फुल सीलिंग का डिजाइन देखिए, फुल सीलिंग पर आपको मिल जाता है यहाँ पर इसके जो है कॉप लाइट्स लगा करके दी गई है, साथ ही रोप लाइट्स है और वहां पर भी आपको मिल जाता है इसका शिंडलेयर। इस तरफ देखिए इस वाली वॉल के ऊपर यहाँ पर भी आपको बहुत प्यारा सा वर्क करके दिया गया है जो कि वुडन का बेहद ही प्यारा सा वर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है, वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। इस तरफ जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर है मंदिर जैसे जो कि इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आप जिन भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें आप यहाँ पर विराजमान करा सकते हैं क्योंकि देखिए एक पॉजिटिव वेव्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर के अंदर। और हिंदू समाज के अंदर हम लोग देवी देवताओं को या भगवान को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं तो वो आपको ज़रूरी एक मंदिर का होना। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके का एंट्रेंस आपको मिल जाता है जो कि इसकी किचन का एंट्रेंस आपको दिया गया है। यहीं से होते हुए सीधे हम लोग किचन की ओर चलेंगे तो किचन का साइज आप देखेंगे तो काफी स्पेशियस साइज यहाँ पर आपको किचन का मिल जाता है। काउंटर टॉप की बात करूँ ग्रेनाइट का वर्क है, फुली लोडेड ये मकान होने वाला है। 4BHK प्रॉपर्टी है, 2 मंजिल पे बना हुआ है। फ्रिज यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके दिया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डबल डोर फ्रिज यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये देखिए जैसे ही खोलते हैं तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है हवा बाहर आ रही है। यहाँ पर आप देखिए माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको लगा करके दिया गया है। बीच में आपको देखिए सिंक का एरिया है, जगवार की फिटिंग है, सामने की साइड में ग्लेन की आपको चिमनी लगा करके दी गई है जो कि मोशन सेंसर के साथ में आपको मिल रही है। हॉग लगा करके दिया गया है। इस साइड में कॉर्नर पर आती है इसकी विंडो जहां से आपका प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन बना रहेगा। यहाँ पर भी ऊपर देखिए वहां पर आपको फुल सीलिंग का वर्क मिल जाता है। साइजेस काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। यहीं से मैं आपको ऊपर की तरफ लेकर के चलूंगा, इसके फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर मैं दिखाऊंगा एक प्यारा सा शेंडियर लगा करके दिया गया है जो कि इसकी खूबसूरती को और ज्यादा इनहांस करता है। इस साइड में देखिए गोल्डन शेड के साथ में आपको मिल जाता है इसका वॉश बेसिन जहाँ पर आप इजीली हैंड वॉश कर पाएंगे। सामने की साइड में बड़ी सी LED है जिसका लुत्फ आप ले पाएंगे, आनंद ले पाएंगे यहाँ पर इसके जो है डाइनिंग टेबल पर बैठ कर भी और यहाँ पर इसके जो है लिविंग एरिया पर बैठ कर भी। और यहीं से इसकी एंट्री हो जाती है जो कि इसके बेडरूम की है। यहाँ पर इसका एक एडवांटेज ये है कि इसका जो कॉमन बाथरूम है वो कॉमन और अटैच दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एंट्रेंस पे आप देखिए डोर कितने प्यारे तरीके का आपको डोर मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत सा डोर है। और एंट्री करते ही देखेंगे तो बहुत प्यारा सा आपको यहाँ पर मिल जाता है बेड, कोल्टिंग वर्क पीछे की साइड में बिल्कुल हेड तक दिया गया है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको फुल सीलिंग का वर्क मिल जाता है जो कि लैंप लाइट्स वगैरह लगा करके दी गई है। और बेड की अगर मैं बात करूँ तो बेड का साइज भी काफ़ी स्टैंडर्ड आपको दिया गया है। बेड के जस्ट सामने की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका LED पैनल है। JD अप्रूव्ड ये प्रॉपर्टी है, अपने मुरलीपुरा स्कीम के अंदर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है जो कि अपने सीकर रोड के ऊपर है। 1,60,00,000 रुपये प्राइस है।
यहाँ पर इसका बैकयार्ड का एरिया है, एक बार बैकयार्ड का एरिया भी देख लीजिए, जहाँ पर आपको वुडन की फ्लोरिंग यानी कि वुडन टाइल्स की फ्लोरिंग मिल जाती है। ऊपर की साइड में वेंटिलेशन का स्पेस भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे इस रूम से भी इसका एंट्रेंस हो जाता है जो कि इसके ड्रेसिंग एरिया की, और साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके वार्डरोब्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। मिरर देख रहे कितना प्यारा है। यहाँ पर देखिए ये बाथरूम है जिसे आप कॉमन और अटैच दोनों तरीके से यूज में इसे आप ले सकते हैं। तो पूरा प्रॉपर मैं आपको विजिट करा चुका हूँ इसके ग्राउंड फ्लोर को, और अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पर। देखिए एक एडवांटेज आपको यहाँ पर ये भी होता है वीडियो देखने का कि आप जो है अगर डिजाइन करवा रहे हैं 18x60 के डायमेंशन में, आपके पास कोई प्लॉट है आप भी उसे डिजाइन करवा रहे हैं, तो आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से अपने मकान को जो है डिजाइन करवाना चाहिए। यहाँ पर जो आप लैंप लाइट्स देख रहे हैं जो कि इसकी फुट लैंप लाइट्स देख रहे हैं इसके स्टेयर्स पे, वो जो है आपको सेंसर के साथ में मिलती है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली देखिए स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर जो रेलिंग दी गई है वो जो है वुडन के साथ में, आयरन के साथ में, साथ ही ग्लास वर्क के साथ में आपको मिल जाती है। ऊपर भी आपको एक बड़ा सा हॉल मिल जाता है जहाँ पर आप देखिए सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से सोफा आपको बना करके दिया गया है। अभी फिनिशिंग मोड पे मकान है लेकिन मकान बिक जाते हैं ऐसी लोकेशन है, इसलिए वीडियो पहले बना रहा हूँ। ऊपर की तरफ आप देखेंगे वहाँ पर आपको फुल सीलिंग का वर्क मिल जाता है। इस तरफ देखिए यहाँ पर कितना प्यारा सा मिरर का और साथ ही मिल जाता है वर्क यहाँ पर वुडन का, बहुत प्यारा और खूबसूरत सा वर्क मिल जाता है। स्टोर रूम की भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टोर रूम। देखिए मकान ऐसा है कि एक सपनों के जैसा है। अगर आप भी एक मकान सर्च कर रहे हैं अपने लिए, एक हाउस सर्च कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। इस तरफ देखिए बेड के हेड पे कितना प्यारा सा वर्क दिया गया है, वो जो लाइटिंग का काम करके दिया गया है वो भी बहुत ही डिफरेंट है। ऐसा नहीं होगा कि आपने हाउस लिया और हाउस ऐसा ले लिया कि सभी के जैसा ले लिया, मतलब कि लगभग कॉपी जैसे मकान हो, एक जैसे लग रहे हो, वो चीज़ आपको यहाँ पर फेस करने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी आपको कुल्टिंग वर्क है, पीछे की साइड में ऊपर देखिए वहाँ पर फुल सीलिंग का वर्क है। यहाँ पर इस साइड में बैकयार्ड का एरिया है जो कि यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये देखिए यूपीवीसी विंडो के साथ में टफन ग्लास लगा करके दिया गया है। इस एरिया को आप यूज में ले सकते हैं अपनी तरीके से, यानी कि वॉशिंग एरिया की तरह, स्टोर रूम की तरह, किसी भी तरीके से यूज में ले सकते हैं। और ये आ जाता है यहाँ पर इसका वार्डरोब यानी कि ड्रेसिंग एरिया और वार्डरोब। सामने की साइड में मिरर है, काफी बड़ा मिरर आपको दिया गया है। पूरा ऊपर की साइड में फैन वगैरह लगा करके बहुत अच्छा एक काम करके दिया गया है। इस तरफ देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका जो है अटैच बाथरूम। साइज आप देख ही पा रहे हैं, टाइल्स आप देख ही रहे हैं, काफी अच्छा साइज और साथ ही बहुत प्यारा सा मकान। 1,60,00,000 रुपए इसका प्राइस होने वाला है। मकान देखिए ऐसे दिखाऊंगा कि आप जिस तरीके के मकान देखना चाह रहे, जिस तरीके के हाउस देखना चाह रहे थे, वैसे ही कुछ मकान मैं अब आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। ये देखिए ये आ जाता है इसका थर्ड बेडरूम। बेडरूम का साइज भी काफी स्पेशियस है, साथ ही यहाँ पर इसका जो बालकनी का स्पेस है वो भी काफी स्पेशियस है। सामने की साइड में आपको कुशन वर्क बहुत प्यारा मिल रहा है, ऊपर मिल जाता है आपको यहाँ पर इसका कुछ डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए सामान जगह। ऊपर की साइड में देखेंगे फुल सीलिंग का वर्क है, और बेड के जस्ट सामने की साइड में आपको एलईडी पैनल लगाने के लिए, बहुत बड़ा एलईडी पैनल आपको दिया गया है एलईडी लगाने के लिए, और साथ ही साइड में कुछ आपको स्पेस भी दिया गया है जहां पर आप वर्क फ्रॉम होम या फिर आप स्टडी वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह आ जाती है इसकी बालकनी जो कि वुडन फ्लोरिंग के साथ में, यानी कि वुडन टाइल की फ्लोरिंग के साथ में आपको मिल जाती है, काफी अच्छा साइज है। ऊपर की साइड में देखिए आपको फुल सीलिंग पे वर्क है वो भी प्यारा है। आसपास का एक बार सराउंडिंग एरिया देख लीजिए किस तरीके का सराउंडिंग एरिया होने वाला है, बहुत प्यारा खूबसूरत सा ये होने वाला है हाउस जो कि आज मैं आपको दिखा रहा हूँ 18x60 के डायमेंशन में। यहाँ पर देखिए ये आ जाता है इसका अटैच बाथरूम, और इसका मैं कह सकता हूँ कि एक ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पर देखिए सामने की साइड में आपको बड़ी बड़ी वार्डरोब्स है, और इस तरफ यहाँ सामने की तरफ में आपको मिरर भी लगा करके दिया गया है। बाथरूम का स्पेस देखिए बहुत प्यारा बड़ा बाथरूम का स्पेस आपको मिल रहा है, ये देखिए यहाँ से आपको मिल जाता है इसका वेंटिलेशन का स्पेस। फैन यहाँ पर भी आपको लगा करके दिया गया है, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है इसका ड्रेसिंग एरिया। अभी आपको मैंने दिखा दिया है इसका जो है तीसरा बेडरूम, अब मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके चौथे बेडरूम की ओर, और ऊपर से ही दिखाऊंगा मैं आपको इसका शिंडलेयर और आसपास का कॉलोनी का सराउंडिंग एरिया भी। लेकिन अगर देखिए प्रॉपर्टी पसंद आती है या फिर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए ताकि आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। ये आ गया है इसका सेकेंड फ्लोर, ये देखिए कितना प्यारा सा स्पेस यहाँ पर भी आपको अवेलेबल करवाया गया है, और यह है प्यारा सा शिंडलेयर, ये देखिए कितना प्यारा शिंडलेयर है। ऊपर की साइड में फुल सीलिंग भी है, जब भी आपके घर में कोई मेहमान आएंगे तो एक बार तो जरूर तारीफ करेंगे कि ऐसा प्यारा मकान कहाँ देखा था, किससे लिया था, तो लिया था AR होम से, यानी कि देखा था AR होम्स पे। और एक बार यहाँ से नीचे भी देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि वेंटिलेशन कैसा रहेगा, वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। यहाँ पर देखिए यह आ जाता है इसके वॉलपेपर,
बीच में सीएनसी जाली का काम करके दिया गया है, एसी का सेपरेट पॉइंट अवेलेबल है। यहाँ पर भी आपको मिल जाता है एक स्टोर रूम, ये देखिए यहाँ पर आपको स्टोर रूम दिया गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो है रूफ का एरिया, और यहाँ से देखिए ये आ जाता है इसका रूफ। यहाँ पर टाइल्स वर्क करके दिया गया है, आर्टिफिशियल ग्रास लगा करके दी गई है। आसपास का एरिया देखिए कैसा होने वाला है, पूरी बसावट है। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सीकर रोड के ऊपर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है, और यहाँ से होते हुए मैं लेकर के चलूँगा इसके फोर्थ बेडरूम की ओर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फोर्थ ये 4BHK प्रॉपर्टी है। मुरलीपुरा स्कीम के अंदर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। यहाँ पर सामने की साइड में देखिए बेड के हेड पे बहुत प्यारा कुशन वर्क है, पीछे आपको वॉलपेपर का काम है, और जस्ट उसके ऊपर आपको मिल जाती है फुल सीलिंग का वर्क। सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एलईडी पैनल है जहाँ पर आप आराम से अपने 55 इंच तक का एलईडी इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। प्राइस की मैं बात कर चुका हूँ आपसे, प्राइस होने वाला है 1,60,00,000 रुपये। यहाँ पर देखिए ये आ जाता है इसका अटैच बाथरूम, जो कि फिर से आपको मिल जाता है ड्रेसिंग एरिया के साथ। साथ में सामने की साइड में ड्रेसिंग एरिया, इस साइड में आपको वार्डरोब, और यहाँ पर इस साइड में अटैच बाथरूम। बाथरूम का साइज भी काफी स्पेशियस है और बहुत है प्यारी सी ये प्रॉपर्टी। देखिए मैंने आज जो आपको प्रॉपर्टी दिखाई है, ये प्रॉपर्टी होने वाली है 18x60 के डायमेंशन में। लगभग मैं कह सकता हूँ कि ये 120 गज के अंदर बनी हुई है प्रॉपर्टी, जो कि मुरलीपुरा स्कीम के अंदर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अगर आप चाह रहे हैं इस प्रॉपर्टी को विजिट करना या परचेज करना, सीकर रोड के ऊपर है, तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। JD अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, सभी बैंकों से लोन हो जाएगा, लोन से रिलेवेंट कोई समस्या आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। आई होप सो वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। प्राइस साइज वगैरह सब कुछ मैं बता चुका हूँ। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।